नांदेड़ जिला नेहरू युवा केंद्र के फंड में 10 लाख रुपए का बदनवानी का मामला उजागर हुआ है। नांदेड़ जिला नेहरू युवा केंद्र के जिम्मेदार समेत दीगर कई अफराद के खिलाफ बदनवानी के इल्जाम लगाए गए हैं। भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले में बदनवानी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के रियासती सदर कमर चाउश अल जाबरी की जानिब से शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में कहा गया है कि नेहरू युवा केंद्र नांदेड़ में बरसरे खिदमत केंद्र के जिम्मेदार कुलदीप शाहू, विनायक ढूंढे और एक खातून ने 37-40 चेक तैयार करके केंद्र के फंड में 10 लाख रुपए की बदनवानी की है। कमर चौश अल जाबरी ने यह भी इल्जाम लगाया कि केंद्र की जानिब से चलाए जाने वाले प्रोग्रामों में गलत तजावीज को मंजूरी दी गई है और बिना किसी प्रोग्राम के दस्तावेजात के जरिए फंड हड़प कर लिया गया। इस मामले की मजीद तहकीकात सब इंस्पेक्टर सैयद कर रहे हैं। कमर चौश की जानिब से अदालत में एडवोकेट शफीक अहमद खान पैरवी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के रियासती सदर कमर चौश और दीगर जिम्मेदारान करण सिंह नरसिंह ठाकुर और अब्दुल अजीम अब्दुल मन्नान ने बदनवान अफसरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये नेहरू युवा केंद्र जो एक संस्था है, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट की संस्था है। ये लोगों ने क्या किया है कि फ्रॉड करते हुए इसमें जो है इन्होंने फ्रॉड किया है और फ्रॉड करके जो है गवर्नमेंट के पैसों का अपहार किया है। इसके अलावा जो ये कार्यालय में नियुक्तियाँ हैं, ये नियम बाह्य है, मुझे इलीगल जो है इन्होंने जो है इसके अपॉइंटमेंट वगैरह किए हैं। वैसे ही ये तीनों ने संगमत करके जो है एक ही व्यक्ति के नाम पर 30-35 चेक जो है इशू किए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है कार्यक्रम जो लेना चाहिए नियम के हिसाब से, ये इनके जो इनका जो इदारा है, इनकी जो संस्था है, उसके हिसाब से कार्यक्रम ना लेते हुए सिर्फ कार्यक्रम को कागज़ पे दिखाकर जो है बहुत से पैसों का गबन किया है। इस हिसाब से इन्होंने जो है कमर चौश ने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन भाग्यनगर को की दाखिल की थी। उसके बाद में जो है SP ऑफिस नांदेड़ यहाँ पर भी जो है इन्होंने दाखिल की थी। ये जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, मेरे पास इन्होंने ये डॉक्यूमेंट लेके आए जिसकी बिना पर हमने पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से 156(3) CRPC के तहत जो है हमने सम्माननीय न्यायालय में, फौजदारी न्यायालय सम्माननीय नांदेड़ में जो है दाखिल की थी पिटीशन, जिसमें जो है कोर्ट ने आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन और हमारी जो है युक्तिवाद वगैरह सुनने के बाद हमारी जो पिटीशन है, कंप्लेंट है, उसको मंजूर किया है और संबंधित पुलिस स्टेशन को इस तकरार के बारे में जो है चौकसी करने के आदेश, FIR करने के आदेश दिए। जनहित भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से नेहरू युवा केंद्र में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें हमारे कुछ पदाधिकारियों को ये बात पता चली तो हमारे पास आने के बाद मैंने इसको पूरी माहिती कलेक्ट किया। उसके बाद पूरे एविडेंस होने के बाद मैंने इनके वरिष्ठ अधिकारियों के पास में भी तकरार किया और संबंधित पुलिस स्टेशन को और SP साहब को भी मैंने ये कंप्लेंट किया था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मैंने दिल्ली को DG साहब को बात किया था तो DG साहब ने मुझे बताया कि हम चौहान साहब एक कमेटी भेज रहे हैं और वो कमेटी पूरी इंक्वायरी करेंगी। कमेटी यहाँ पर आई और चले गई, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, बुलाया नहीं मेरे को कमेटी आने के बाद। फिर भी मैंने इसके बाद 2-3 बार कांटेक्ट किया DG से, DG ने वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं सारे ये चीज़ों को लेके, एविडेंस लेके मैं वकील साहब हमारे दोस्त के पास पहुँचा और उन्हीं के माध्यम से हमने कोर्ट में ये फरियाद दायर किए। उसके ताल्लुक से जो भी है वकील साहब ने अच्छी आर्गुमेंट किए और वहाँ से जो 156(3) के तहत उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया तो उसमें ये ग्रैंड हुआ और उनके ऊपर सभी जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनके ऊपर हमारी डिमांड थी कि गुनाह दाखिल होना और वो गुनाह दाखिल हुए और आगे भी जो है इनकी सकोल चौकसी करके और इनके ऊपर इन्हों अभी फ़िलहाल निलंबित होनी चाहिए। निलंबित होकर इनके ऊपर जितनी प्रॉपर्टी अभी तक जमा की उन्होंने वो सब जब्त होना और इन्होंने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी लिए, कहाँ कहाँ खरीदे, अब कब से करते हुए आ रहे भ्रष्टाचार, इन्होंने इनके पास में सब पूरी ये इंक्वायरी होना और पूरी जानकारी होना। जितने भी उन्होंने बोकस बिल बनाकर बिला उठाए हुए है और बिला भी हमारे पास में एविडेंस के तौर पर है और तकरीबन उन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार के जिमन में, वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सकोल चौकसी करके इनकी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ पर उनकी कड़ी से कड़ी उनको शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग रहेगी।